यहाँ वन विभाग की पूरी निगरानी थी। निगरानी के बजाय यहाँ पिंजरा लगा रखा था इस पहाड़ के अंदर। बाकी दो तीन तेंदुए और भी हैं अभी। गांव को पूरी तरह राहत नहीं मिली है, क्योंकि यहाँ पर कई बकरियों को, कई पशुओं को उसने वो कर दिए है, उसमें नुकसान पहुँचाया है जी। इसमें गाँव को काफी भय है, इसमें इधर जाने के लिए मन नहीं करता किसी। बाकी दो तीन तेंदुए और हैं, इसमें हम प्रशासन से, ये माइनिंग रेंज अफसर से इनसे गुहार लगाते हैं कि यहाँ पर पिंजरा दोबारा लगाएं और पूरी तरह गांव को क्षतिग्रस्त करें। ये पहाड़ के अंदर इसी में रहता है। अभी दो तीन और बचे हुए हैं उनके साथ के, जो बच्चे भी स्कूल से आते जाते डाइनी से आते हैं यहाँ पर दो तीन किलोमीटर, तो अब बाजरे बड़े बड़े हो रहे हैं। उन बच्चों का भी स्कूल का आना जाना, पढ़ाई थक रही थी, या तो उनके पेरेंट्स साथ आते थे, लेने के लिए भी साथ जाते थे। ये एक बहुत ज्यादा एक दहशत थी जो अभी भी थोड़ी बरकरार है, परंतु वन विभाग को और प्रशासन को निश्चित हो गया कि यहाँ जंगली जो जानवर हैं वो बहुत ज्यादा तादाद में हैं। और प्रशासन से, लोगों से यही है कि जल्दी से जल्दी और जो बाकी बचे हुए उनको और पकड़ा जाए, ताकि लोग अपने रोजमर्रा के कार्यों में निडर होकर अपना कार्य करते रहें। मुकंदपुरा में पहले से ही हमने पिंजरे इस्टेब्लिश लगाए हुए थे, और जो आज सुबह उसमें फिर तेंदुआ को कैप्चर कर लिया गया है, और अब उसको टीम लेके महेंद्रगढ़ चली गई है, और आगे जैसे भी उच्च अधिकारियों से निर्देश मिलेंगे उस हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी तो वो जैसे उच्च अधिकारियों से जो निर्देश मिलेगा उस हिसाब से उसको छोड़ा जाएगा। अभी पिंजरे लगे हुए हैं वहाँ, लेकिन अब और होने की कोई ऐसी ज़्यादा संभावना तो नहीं है, क्योंकि पहले भी ये दो ही देखे गए थे। जो अभी कोई और होगा तो पिंजरे ऑलरेडी लगे हुए हैं, और ये जो इसको छोड़ने के बाद ये पिंजरा खाली होगा, ये भी वहीं अगर कोई होगा तो लगाया जाएगा।